वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय बाबू लक्ष्मी माँ। कैसे आप सभी गए? तो आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। देखिए गाइस, मैं मंदिर में बैठी हूँ और आज लक्ष्मी जी का व्रत है मेरा। आप लोगों को पता ही, मैं एक सौ एक लक्ष्मी जी के व्रत का मन्नत मानी हूँ। तो आज 44वां व्रत है। यहाँ देखिए लक्ष्मी जी मेरी बैठी है गोद में, मिट्टी भी बैठी है। आप देखते हैं, हेलो करो मिट्टी, हेलो करो मैच को, हेलो करो। यहाँ देखिए गाइस, मैं ना लक्ष्मी जी की कथा पढ़ रही हूँ। यहाँ लक्ष्मी जी मेरी है, भोग लगाती हूँ लक्ष्मी जी को। यहाँ भी लक्ष्मी जी हैं, फोटो भी है देखिए। और खीर का भोग लगाती हूँ, दिया भी जल रहा है घी का। और यहाँ मीठी हमारे गोद में बैठी है और कथा नहीं करने दे रही है, इसको ले कर कथा करना पड़ रहा है गाइस। देखिए हाय कर दो गाइस को, हाय हाय कर रही है देखिए। तो आप लोग जल्दी से चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो अभी मैं जल्दी से कथा कर लेती हूँ, इसके बाद नीचे जाऊँगी। हमारा घर पूजा घर ऊपर है, आप लोग को पता ही है। तो अभी जल्दी से कथा पढ़ लेती हूँ। तो लक्ष्मी जी के व्रत में ना कथा भी पढ़ना होता है, इसके बाद आरती करेंगे, फिर भोग उठाएंगे और प्रसाद खाएंगे। इस बार कुछ मीठा खा सकते हैं, तो हम कर्ड और राइस खाते हैं, आप लोग को हमेशा बताती हूँ। और तो गाइस देखिए, अभी मैं ना व्रत के बाद खाना खाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो मतलब मीठा खाती हूँ, तो यहाँ बिना नमक के टमाटर चावल दही है, तो मुझे यही पसंद रहता है, तो इसलिए खाती हूँ। तो मैं ये खा रही हूँ और इसके बाद मतलब नमक नहीं खाएंगे, सिर्फ यही खाएंगे। तो हम मीठा खा सकते हैं व्रत में, तो आप लोग भी खा सकते हैं इस तरह से। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अभी मैं कोर्ट से आई हूँ, 2:30 बज रहे हैं दोपहर के। और आज मेरा बेटा स्कूल नहीं गया था, तो वो अभी आई तो अभी जस्ट बैठी हूँ। अभी कपड़े वगैरह धोने हैं और यहाँ पे मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा था गाइस। मेरा बेटा हमेशा पढ़ाई करता रहता है, नज़र ना लगे, माता रानी की कृपा है। मैं जो कोलकाता रेप केस है उसके बारे में कुछ खुलासे हैं, उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बहुत सारी संवेदनाएँ व्यक्त कर रही हूँ महिला डॉक्टर के लिए, और बहुत शर्मसार हैं हम सब, हम महिलाएं, कि आज भी इस देश में हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उसके लिए कड़ी से कड़ी व्यवस्था करनी चाहिए, हमारे प्रशासन को, हमारे कानून को बहुत सख्त होना पड़ेगा। आज भी हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उसके लिए बड़ा से बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और जो इस तरह से महिला डॉक्टर का रेप हुआ है ना, उसके लिए बहुत दुख व्यक्त करें माता रानी, और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। तो उसके ऊपर मैंने आज ब्लॉग बनाया है, जो कि वो एक बॉक्सर था, न्यूज आई है, वो बॉक्सर था। अपने बॉक्सर का यूज उसने किया है एक महिला के ऊपर, सबसे शर्म की बात है। एक बॉक्सर हो के, एक बॉक्सर या बॉडी बिल्डर का क्या काम है, एक महिला की सुरक्षा करो, जो असहाय उसकी सुरक्षा करो, न कि एक असहाय एक अबला के ऊपर वार करो, ये तो बहुत शर्म की बात है। पुरुष को महिलाओं की सुरक्षा करने करना चाहिए, ना कि उनके लिए आप उसके उसके ऊपर वार करो। हॉस्पिटल से जाके सीट भी अरेंज करता था पैसे घूस दे के, मतलब बहुत उसका बोलबाला था, उसे डॉक्टर भी डरते थे। और पावर का यूज किया उसने, और एक महिला के ऊपर अपना पावर यूज किया, बहुत गलत बात है। और सज़ा सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये मैं ये वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये न्यूज़ जाए और उस आरोपी को सज़ा मिल सके। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय गाइस।